ऑल टेस्टनेट 2023 एस्पिरेंट डेस्परेटली वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन। सर अक्टूबर खत्म हो गया, अभी नवंबर चालू हो गया, नोटिफिकेशन कब आएगा? दिस इज़ वॉट द क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। सो आइडली जो टेस्ट का नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर में रिलीज हो जाता है और आपका फॉर्म फिलिंग चालू हो जाता है, देन दिसंबर तक खत्म होता है एंड जैन में आपका एडमिट कार्ड आके एग्ज़ाम चालू हो जाता है। आपका एग्ज़ाम हो जाता है फर्स्ट वीक सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। बट सो फार दे हैव नॉट येट रिलीज एनी काइंड ऑफ अ नोटिफिकेशन। ऑल दो मैंने टेस्ट को कल मेल भी लिखा था, बट आई हैवन्ट गॉट एनी रिप्लाई सो फार। जैसे मुझे रिप्लाई आएगा तो आई विल मेक द वीडियो ऑन द सेम, बट या अभी तक कोई अपडेट नहीं है। सो यू पीपल शुड ऑल्सो मेल टू द टेस्ट एंड गेट द अपडेट। बट लुकिंग एट द पास्ट ट्रेंड वी कैन स्पेकुलेट कि आपका फॉर्म फिलिंग कब होगा और एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। बट बिफोर दैट इफ़ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन, कि नोटिफिकेशन आएगा फिर मैं प्रिपरेशन चालू करूँगा, तो वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। नवंबर चल रहा है, दिसंबर जैन के अराउंड आपका एग्ज़ाम होगा, या तो फिर लेट बाय लेट हुआ तो फिर फैब अराउंड जाएगा, इससे ज़्यादा डिले तो नहीं होगा। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 60-75 डेज का टाइम बोल लो, लास्ट के 10-15 दिन तो छोड़ दो, उसमें आप रिवाइज करोगे और आपके टाइम मैनेजमेंट मॉक पे रिग्रेसली काम करोगे और जीके पे वर्कआउट करोगे। तो पढ़ाई वाला जो टाइम है वो नवंबर दिसंबर है। अगर आपका मैथ्स वीक है तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम लगेगा और आपको टाइम चाहिए भी, ठीक है। सो वी सी द लेगेसी ऑफ द टेस्टनेट एग्जामिनेशन, जो उनका ट्रेंड है 2018 से लेकर के टिल 22 तक का मैंने अपडेट निकाला हुआ है। सो 2018-19 वाला जो एग्ज़ाम था उसमें नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर में मिल जाता था आपको, तो वो एक मिसिंग है इस साल। अभी अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर चालू हुआ है, तो ऑल द आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वीक में कुछ अपडेट आ जाए, ठीक है। तो जनवरी में 2018-19 का एग्ज़ाम भी जनवरी में, 2020 का एग्ज़ाम भी जैन में, बट 21 एंड 22 ये थोड़ा सा चेंज हुआ था ड्यू टू कोविड, यहाँ पे चल रहा था कोविड-19, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम आपका फिर भी लेट ज़्यादा नहीं हुआ है, अराउंड मिड ऑफ फैब बोल सकते हो, 20 फैब 20th फैब एंड 26 फैब। तो 2023 में एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी? मेरा अभी भी एक्सपेक्टेड डेट चल रहा है 15th ऑफ जैन, अगर ज़्यादा लेट हुआ तो एंड ऑफ जैन, ठीक है, और वर्स्ट केस में फर्स्ट वीक ऑफ फैब, बिकॉज अभी ना तो कोविड है, ठीक है, सब चीज़ें स्मूथली फंक्शन कर रही है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना डिले करेंगे वो। सो बट देन टू कीप ऑन चेकिंग द टेस्टनेट ऑफिशियल वेबसाइट, और इफ़ यू वॉन्ट टू राइट द मेल टू द टेस्ट तो आप उनके ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो टू गेट द अपडेट। लेट्स टॉक अबाउट द टेंटेटिव डेट, डेट क्या होगी आपकी? अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिड ऑफ नवंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। आज है 3rd ऑफ नवंबर, आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10th ऑफ नवंबर तक कुछ ना कुछ अपडेट तो आना चाहिए टेस्ट के साइड से। ओके, ऑल दो आई हैव मेल्ड, तो आई थिंक कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा फॉर श्योर। और एंड जो होगा रजिस्ट्रेशन आपका वो दिसंबर एंड जाएगा, और एग्ज़ाम जो होगा वो मिड ऑफ जैन आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है। और टाइमिंग आपका सेम है 2 PM to 3:40 PM, उसके बाद जैन फेब तक रिजल्ट, और उसके बाद आपका स्टेज टू चालू हो जाता है। इस साल का स्टेज टू क्या होगा वो भी अभी एक क्वेश्चन मार्क है, एक बार नोटिफिकेशन रिलीज होगा देन विल गेट टू नो। वो भी डिसाइड कर रहे होंगे कि इस साल स्टेज टू क्या करेंगे, टिस्पैट रखेंगे कि नहीं रखेंगे, या तो ऑनलाइन असेसमेंट ही होने वाला है। सो अभी तक ये सारे क्वेश्चन मार्क है, बट या आपकी प्रिपरेशन डिले नहीं करो। और ये बिल्कुल मत सोचो कि अभी मैं प्रिपरेशन चालू करूँगा तो मेरा नहीं होगा, या तो मैं प्रिपेयर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, 100% कर पाओगे। वेरी सुन आई विल बी ब्रिंगिंग अप द 60-75 डेज का स्ट्रैटेजी वीडियो, उसके अंदर पूरा टाइम टेबल में देने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो उसके लिए। एंड एज आई मेंशन अबाउट दी बैचेस, सो रिले बैच टिस लॉन्च हो गई है, सो एंड दिस इज 2.0 बैच, सेकेंड बैच, फर्स्ट बैच ऑलरेडी फुल हो गई है, सो सेकेंड बैच वी हैव लॉन्च। सो इतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ, यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर फॉर टिस रिले बैच, एंड दिस इज वॉट द कम्प्लीट टीचिंग करिकुलम विच यू विल बी गेटिंग फॉर योर प्रिपरेशन। और 23 की प्रिपरेशन तो चली रही है, 24 की भी बैचेस वी हैव लॉन्च, क्लासरूम दादर बोरीवली वसई यू कैन विजिट। एंड वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, अगर आपको टेस्ट में एडमिशन चाहिए चाहे मुंबई, गुवाहाटी, तुलजापुर और हैदराबाद, उसके लिए आपको पहले टेस्ट में स्कोर अच्छा लेके आना होगा, स्टेज वन क्लियर करना है, उसके बाद हम स्टेज टू के बारे में बात करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एंड या नवंबर इज स्टार्टेड, तो आपको वीक में 2 मॉक लिखने हैं, ये भी मेरा वीडियो वेरी सून आई विल बी पोस्टिंग, पर वीक 2 मॉक टेस्ट यू हैव टू राइट विदाउट फेल, ओके। सो सारे प्रोग्राम, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, बुक्स, टेस्ट सीरीज अवेलेबल ऑन मेन्यूवर वेबसाइट menuvideo.com/testentrance पे विजिट कर लो। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक इट। बट अगर आपने बैच ज्वाइन किया हुआ है सो यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग सेपरेटली, सब चीज़ आपके करिकुलम में इंक्लूडेड होगी।
सो डू प्रिपेयर वेल एंड बी कनेक्टेड विद द चैनल फॉर द फर्दर अपडेट. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.